अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद कहता हूँ साथ यूट्यूबर चैनल पे। आज मैं आपको इन्फॉर्मेशन देता चलूँ जो 20 अक्टूबर को स्मगल शुदा जितने मोबाइल्स हैं वो ऑफ होने का ऐलान किया हुआ है गवर्नमेंट ने। तो उसी सिलसिले में अगर आपका मोबाइल जो है वो रजिस्ट्रेशन नहीं है PTA से, तो आप उसको रजिस्ट्रेशन करवा, और अगर आपका वैलिड है तो आपके बॉक्स के ऊपर भी PTA लिखा होगा, जो कि अब नए जितने मोबाइल जा रहे हैं तकरीबन 2017 से, तो उन सब पे PTA लिखा हुआ है। तो उसका एक और एप्लीकेशन है ये, आप गूगल प्ले स्टोर से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। आप लिखें, आपको मैं बता देता हूँ, जो आप गूगल प्ले स्टोर पर जाएंगे तो DIRBS लिखेंगे तो एप्लीकेशन ये सामने आ जाएगी। मैं आपको दिखा देता हूँ, क्योंकि मैंने ये एप्लीकेशन डाउनलोड की हुई है पहले, मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ। इस एप्लीकेशन का वैसे जो नाम बनता है वो डिवाइस वेरिफिकेशन सिस्टम बनता है। तो ये मैंने एप्लीकेशन डाउनलोड की हुई है, आप इसको यहाँ से ओपन कर लें, और यहाँ अपना IMEI नंबर जो है आपके डिवाइस का वो आप पेस्ट करेंगे। ये सब मेरे पास दो डिवाइस हैं। सबसे पहला जो है मैं आपको वो दिखा देता हूँ जो अभी रजिस्टर्ड नहीं है, जो मैं पेस्ट कर और ये चेक कर रहा हूँ, चेक हो रहा है, और मेरे पास ये मैसेज आया कि डिवाइस की IMEI नंबर दुरुस्त है, सिम डाल के 20 अक्टूबर से पहले कॉल करें या SMS करें और ऑटो रजिस्ट्रेशन हो जाएगी। अब मैं दूसरा IMEI नंबर डालता हूँ जो कि मेरा दूसरे मोबाइल का है, और वो मैं आपको चेक करके बताता हूँ। ये देखें, अब ये जो है ये मेरा PTA से भी रजिस्टर्ड है और GSM से भी ये रजिस्टर्ड है। तो ये जो आप टिक मार्क देख रहे हैं ग्रीन कलर का, इसका मतलब ये है कि ये डिवाइस PTA से रजिस्टर्ड है, और इसको कोई ही यानी कि 20 अक्टूबर तक ये बंद नहीं हो सकती। तो ओवरऑल ये छोटी सी वीडियो थी मैं आपको बताना चाह रहा था। तो आप यहाँ से 3 डॉट्स जहाँ हैं, आप यहाँ से अपनी ज़बान की तब्दीली भी कर सकते हैं और प्ले स्टोर से जाके ये एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप SMS से करना चाहें तो SMS से आप देख सकते हैं कि नीचे लिखा हुआ है अपना IMEI हासिल करने के लिए #06# स्टार डाई करें, आपका जो IMEI नंबर है वो बिल्कुल आपके सामने आ जाएगा। वीडियो देखने का शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।